हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज एट दिस टाइम लाइव लोकेशन सीआरए बिल्डर है और प्रोजेक्ट का नाम नोबल आयरा है। लाइव लोकेशन पे खड़े हैं और मैं आपको आज प्रोजेक्ट की पूरी यूएसपी सारा बताने जा रहा हूँ इन डिटेल। इसकी अगर हम वो जो सामने आप रोड देख रहे हैं, जो सामने गाड़ियाँ चलती हुई, UER2 से कनेक्टिविटी है। जबरदस्त लोकेशन, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यूईआर एक्टिव हो जाएगा, तो मैं आपको एक खासियत बता रहा हूँ इस जगह की, जब यूईआर एक्टिव हो जाएगा तो लोग चाहेंगे कि यहीं से सीधा बाहर निकले और सीधा यूईआर और गुड़गांवा चले जाए। 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो दिल्ली से डेली अप डाउन करती है और वो करोल बाग रहते हैं, और करोल बाग से जब वो गुड़गांवा जाते हैं तो दो दो घंटे का जाम से होते हुए उनको गुड़गांवा जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब वो रहेंगे, अपना घर होगा, तो सीधा वो यूईआर से कनेक्ट करके गुड़गांवा इजिली मूव कर जाएंगे। तो मैं एट दिस टाइम लाइव लोकेशन पे हूँ, नोबल आयरा प्रोजेक्ट पे। एट दिस टाइम लाइव लोकेशन पे आपको तीन चीजें दिखाऊंगा इसकी आज खासियत। वन, मॉडल शूट। सेकंड, मॉडल शूट, जैसे मैं आपको बोर्ड शूट करवाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पर उससे बोर्ड से आपको ये क्लियर नहीं होता कि यूएसपीज क्या है, तो वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। इसकी दो तीन पॉइंट्स और बता दूं, रिठाला से काफी बिल्कुल नियर बाय है यहाँ पे, और सामने अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में मेट्रो क्लियर हो चुकी है। एट दिस टाइम सेक्टर 32 में ये प्रोजेक्ट है, अगर हम देखें तो सेक्टर 32 है। और सामने एक बार बेटे कैमरा घुमा दो, ये जो सैमरे है ये देखिए तो 31A1 की पॉकेट है। आने वाले टाइम में यहाँ पे 250 और 400 गज के फ्लैट्स, मतलब हाई राइज कम्युनिटी आएगी, लो राइज कुछ भी नहीं आने वाला यहाँ पे। मतलब जो कस्टमर्स आएंगे वो हाई स्टैंडर्ड के आएंगे, और ये भी स्विमिंग पूल वाले फ्लोर्स हैं, तो हाई एमिनिटीज अगर रोहिणी में आ रही हैं तो इसका इफेक्ट मिक्सन मॉल पे भी पड़ेगा। तो दोनों चीजों की प्रमोशंस, क्योंकि रोहिणी में ही ऑफिस है, और दोनों ही चीजों की प्रमोशंस करने का प्लान हो चुका है हमारा। सो और ये हाई राइज अपार्टमेंट है, हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट है, ये कोई लो फ्लोर्स नहीं है, इनकी हाइट काफी बड़ी होगी। सो अगर आपको अब मैं इसके बाद मॉडल शूट्स पे लेके जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। हाँ जी, आप दोबारा से, हम मॉडल शूट, फर्स्ट टाइम मॉडल शूट्स सीआरए डेवलपर है, मैं आपको क्लियर कर दूं, और प्रोजेक्ट का नाम नोबल आयरा। ये तीन टावर्स, फर्स्ट फेज वन में हम इसको तीन टावर बनाने जा रहे हैं। ये जो टावर आप देख रहे हैं इसका नाम मैक्सवेल है, और दिस इज टावर नंबर 2 एंड दिस इज टावर नंबर 1। अगर हम टावर नंबर 3 की बात, मैक्सवेल की बात करें, तो सारे के सारे 3 BHK आ रहे हैं, और इसका अगर हम साइज देखें तो 2450 एंड 2650, दिस इज द साइज। हाई राइज बिल्डिंग है, और आप देख रहे हैं कितना स्विमिंग पूल एंड ऑल एमिनिटीज के साथ पहली बार रोहिणी में। खासकर मैं आपको बता दूं, जितने भी पीछे फ्लैट्स हैं, साई अपार्टमेंट्स हो गया, वहाँ पे 2-2 करोड़ के फ्लोर है, बट एमिनिटीज लैक कर रही है। यहाँ पे एमिनिटीज के साथ है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होता जा रहा है, और यूईआर के भी पास है। अगर हम बात करें, दिस इज द अगेन नोबल आयरा टावर नंबर 1। इसमें हम सिर्फ 4 BHK लेके आ रहे हैं। ये दोनों टावर्स जो आप देख रहे हैं बिल्कुल रोड के साथ में, अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में आप मेट्रो आ रही है, क्योंकि मेट्रो का फेस क्लियर हो चुका है 32। मैंने अपने वीडियो में एक पूरा बताया था, जिसमें कि मेट्रो को कैबिनेट से बस लास्ट क्लियरेंस मिलनी बाकी रह गई है, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है मेट्रो। मेट्रो की कनेक्टिविटी रिठाला से जैसे ही वो आगे जाएगी, तो यहाँ पे इसका प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है, तो सोचिए कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी होगी कि दिल्ली में सपोज कोई पर्सन है, किसी को गुड़गांवा जाना है, ठीक है, या फिर यू कैन से उसको करोल बाग है, और करोल बाग से अपने घर आना है, तो फटाफट मेट्रो पकड़ के आए और यहाँ से सीधा कार उठाए और गुड़गांवा निकल जाए, क्योंकि यहाँ से सीधा यूआर की कनेक्ट। मैंने आपको अभी मैक्सवेल टावर की डिटेल बताई, दिस इज टावर 1, टावर 2। टावर 1 में तो 3 BHK, वो जो सामने आपको टावर नजर आ रहे मैक्सवेल है विद एमिनिटीज, दिस इज टावर 1, 2। टावर 1 4 BHK है, टावर 2 में भी 4 BHK है। जो साइजेस हैं वो आपको बता रहा हूँ, 3450 एंड नेक्स्ट इज 3650। और अगर हम बात करें इस टावर पे आ जाइए, ये 4 BHK अगेन टावर है, बट द साइज इज बिगर बिकॉज 3900 एंड 4150, ये दो साइज के फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और इसके बिल्कुल साथ में अगर आप देखो तो रिठाला मेट्रो स्टेशन, ये इस साइड रिठाला, इस साइड सेक्टर 32,
32 सेक्टर, यहाँ पे देखिए स्टेशन का नाम ही सेक्टर 32, रिठाला मेट्रो स्टेशन 32। तो सोचिए मेट्रो से उतरे सीधा घर पहुंच गए, तो ये एडवांटेज रहेगा। और आगे अगर हम चलेगा सीधा तो ये देखिए कितनी बड़ी रोड UER2 100 मीटर रोड से कनेक्ट होके, इस जैसे हम सीधा यहाँ से अपने सपोज करोल बाग से आ रहे हैं, करोल बाग से सीधा 32 पे उतरे अपने घर पहुंचे, सपोज करो अब आपको गुड़गावा निकलना है तो इसी रोड से सीधा UER पकड़ी, सबसे बड़ी रोड जो कि नॉन स्टॉप रोड है, नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सीधा पहुंचा देगी आपको गुड़गावा टर्मिनल 3 में। पहले T3 पहुंचना है तो T3 चले जाओ, कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 20 मिनट में यहाँ से आप T3 पहुंच गए। तो जिन लोगों का घर IGI एयरपोर्ट में काम करते हैं या गुड़गांव में वर्किंग है, उनके लिए नोबल आयरा में आना अब बहुत इजी हो जाएगा। और वो रोहिणी की रेजिडेंस है, उनके मदर फादर रोहिणी में रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, और गुड़गांव में जॉब करते हैं खासकर। सो अब मैंने अभी आपको सिर्फ इनका दो शूट बाहर से एक तो एरिया दिखाया, एक अंदर का आपको फ्लोर के मॉडल से दिखाया, अब मैं आपको समझाऊंगा इसके किस तरह से फ्लोर को बनाएगा नोबल आयरा। हाँ जी, अभी मैंने मॉडल दिखाया था, अब हम सीधा 4BHK पे मतलब सैंपल फ्लोर दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं दिस इज द लिफ्ट, ठीक है, इसके एक तरफ फ्लैट, इसके एक तरफ फ्लैट, जस्ट लाइक 5-स्टार होटल जैसे लुक इन फ्लैट्स की जनरेट की जाएगी नोबल आयरा जो फ्लोर के एंटर कर रहे हैं। और 4100 का साइज ये फ्लोर का है, उसका लाइव शूट चलिए आपको दिखाता हूँ आज। पाउडर रूम, पाउडर एरिया, दिस इज बिल्कुल अगर हम एंटर करते ही सबसे पहले एक स्मॉल वॉशरूम भी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट रूम है, द साइज इज गुड, यहाँ पे अटैच बाथरूम दे रहे हैं। ये मैं आपको नोबल आयरा की पूरा फ्लोर 4BHK का पूरा एक एक पॉइंट बता रहा हूँ किस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे, ब्यूटीफुली डिजाइन यू कैन से। वॉशरूम से अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट हमारा पूजा रूम, ठीक है, उसके बाद डाइनिंग एरिया, दिस इज अगेन हमारी लॉबी जिसमें कि आप सिटिंग एरिया आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं गेस्ट। अगेन एक एक्सटेंडेड देख लीजिए कितना बड़ा है, एक यहाँ पे भी दे दिया, एक यहाँ भी हमने कवर कर दिया। सो ये यूनिक फीचर था इस फ्लैट का 4100 स्क्वायर फीट का। और दिस इज अवर सेकेंड रूम, हर रूम के साथ बालकनी अटैच्ड है, यही खासियत है इनकी, अलमीराज हमने दी हुई है जो। और अगेन अटैच बाथरूम, चार रूम है तो चारों के साथ अटैच बाथरूम, देखिए द क्वालिटी वर्क विच इज यूज। रूम का साइज काफी बड़ा, और सबसे बड़ी खासियत हम एसी की वेंट्स लगा के दे रहे हैं मित्सुबिशी की, मतलब बहुत ही एक बढ़िया कंपनी के, ये शायद काम इस तरह का बहुत कम बिल्डर करके देते हैं कि एसी आपको। अभी हम सेकंड रूम हमने देख लिया, अब हम आ रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम पे जो कि सबसे बिगर साइज का होगा, और फिर इसके साथ बालकनी अटैच्ड होगी, यही खासियत है नोबल आयरा की कि वो बालकनी सबके साथ अटैच दे रहा है। इसके साथ अटैच बाथरूम, आप देखिए काफी बड़ा बाथरूम इसके साथ विद अलमीरा, इसके सराउंडिंग में हम देखें तो अलमीरा बिल्कुल साथ साथ इसके मूव कर रहे हैं। इसका रेगुलर अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मैं दिया करूंगा। अब आ चुके हैं हम अपने फोर्थ रूम पे एंटर हो रहे हैं, अगेन बहुत ही आलिशान इसको बनाया गया है, और अगेन बालकनी इसके साथ में देखिए अटैच बालकनी, तो कॉर्नर प्रॉपर्टी है, और इसके साथ फिर अगेन अलमीरा, उसके सामने फिर दोबारा से अटैच बाथरूम। तो आई थिंक जो भी यहाँ पे रहेगा, जो भी ये फ्लोर्स में रहेगा, आई थिंक एक फीलिंग ही अलग आएगी उसको। सो अगर आपने इस यूनिट को, क्योंकि बहुत कम, वैसे ये देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बालकनी भी एक बार दिखा देता हूं, ये देखिए दिस इज द बालकनी जो कि आपको देखो सामने गार्डन, क्योंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी होगी तो हर रूम के साथ एक बालकनी हमने देनी ही देनी है, इस रूम के साथ भी अटैच होगी क्योंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कॉर्नर है तो हर साइड से मूव करेंगे हम, यहां पे भी खड़े होके देख लो
तो ऐसी आई थिंक ग्रेस कहीं पॉसिबल है नहीं। हाँ जी, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अपना किचन। ये देखिए सीधा साइज, मैं दोनों हाथ इसलिए इस तरफ कर रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा साइज पूरा खोल के भी पूरा विजिबल हो रहा है यहाँ से। एंड सेकेंड, जिस तरह से डिजाइनिंग है सेम आपको ऐसी देने जा रहे हैं। तो आई थिंक लेडीज का सबसे फेवरेट जो प्लेस है वो किचन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनको यहीं पे। और ये इसी तरह से हैवल, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है, हम आपको ओवन एज इट इज लगा के दे रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत हैफल का, अगेन जो चूल्हा होगा वो भी हैफल का। अगेन चिमनी भी देख लीजिए, सबसे हाई क्लास ये हम लगा के दे रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सेम कबर्ड्स जैसे आपको दिख रहे हैं, सेम वैसे ब्यूटीफुली डिजाइंड। और सबसे बड़ी खासियत, जब आप यहाँ से आते हैं तो आपको जो आपका सर्वेंट होता है यहाँ पे, दिस इज द वॉशिंग एरिया, और इसी के साथ ही हम सर्वेंट एरिया भी दे रहे हैं। क्योंकि सर्वेंट का कोई मतलब नहीं है कि वो घर के अंदर बार बार आए, उसको अपना यहाँ पे सोना है, यहाँ पे उसको काम करना है, यहाँ पे किचन का वर्क करना है, तो फैमिली को डिस्टर्ब ज्यादा वो नहीं करेगा। इसकी डिजाइनिंग इतनी ब्यूटीफुली की गई है कि इसको बिल्कुल अलग ही लुक दिया गया। तो अगर आपको ऐसा फ्लोर चाहिए, ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, लगातार कंस्ट्रक्शन अपडेट करूंगा इस प्रॉपर्टी का। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप फोन करिए और रेट कंफर्म करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।